पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार और धमकाने के मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे सतवीर गुज्जर से 3 देसी पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ACP क्राइम अरविंद कम्बोज ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। ACP अरविंद ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पर दर्जन के करीब फिरौती, अवैध हथियार और धमकाने के मामले दर्ज हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर महेंद्र डांडा के नेतृत्व में एक सतबीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे हमने 3 पिस्टल और 2 जिंदा राउंड बरामद किए। ये पहले यहाँ लोकल में एक आदमी को, इस व्यक्ति को इसने धमकी दी थी, उस मामले में वांटेड था और एक ये असले के मामले में वांटेड। इसके पहले भी 10-12 मामले दर्ज हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर रहा है और ये लगातार यहाँ लोगों पर दबाव बना रहा था और प्रेशर करके ये लोगों से पैसे मांग रहा था। तो अभी जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ और लोगों की शामिल हो सकते हैं? अभी हमने पहले कुछ दिन पहले 7-8 असले रिकवर किए थे, उस मामले में ये वांटेड था। 4 असले इसके पास थे, इसे हमने 3 असले रिकवर किए हैं और एक इसने गौतम नाम के व्यक्ति को धमकी दी थी, उस मामले में हम इसकी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी इसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया था, 4 दिन के रिमांड में हमने इसे ये चीज़ें रिकवर की है। देसी पिस्टल ये कहाँ से लेके आए थे? ये इसका एक साथी है बाहर, ये MP से लेके आए थे, वहाँ से इसका एक गुरजंट इसके गाँव का रहने वाला है लड़का, वो आर्मी में जॉब करता है, वो उसने इसको प्रोवाइड कराया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।